नमस्कार, लर्निंग मंत्रा के दैनिक मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। हमारा आज का विषय है आयरन डोम सिस्टम। बीते कुछ दिनों से गाजा पट्टी में इजराइल और फलिस्तीन के बीच तनाव बरकरार है। गाजा में हमास के आतंकियों ने इजराइल में हजारों रॉकेट दागे, जबकि इजरायली सेना का कहना है कि उसने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम से ढेर सारे रॉकेटों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। आइए जानते हैं इजराइल के पास आखिर वो कौन सी मिसाइल डिफेंस तकनीक है जिसके जरिए उसने इस भयानक हमले को नाकाम कर दिया। इजराइल के इस एयर डिफेंस सिस्टम को आयरन डोम कहा जा रहा है। इजरायली सेना का दावा है कि उसका आयरन डोम सिस्टम दुश्मन की 90% मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर देता है। यह एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के ड्रोन को भी खत्म कर देता है। दरअसल गाजा पट्टी एक छोटा सा फलिस्तीनी क्षेत्र है। यह मिस्र और इजराइल के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। इस इलाके में हमास का शासन है, जो इजराइल विरोधी आतंकी समूह है। इलाके पर कब्जे की इजराइल कई बार कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार हमास से उसका कड़ा संघर्ष होता रहा है। मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन डोम को दो कंपनियों, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मिलकर बनाया है। साल 2006 के इजराइल लेबनान युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हजारों रॉकेट दागे थे। इसके बाद इसराइल ने नया एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की घोषणा की, जो उसके लोगों और शहर की रक्षा कर सके। इसी के तहत इसराइल ने आयरन डोम को विकसित किया। साल 2011 में इसे लगाया गया। इस प्रणाली को बनाने में अमेरिका ने इसराइल को तकनीकी और आर्थिक मदद दी है। इस अल्प दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली में रडार और तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल लगाई गई है, जो किसी भी रॉकेट या मिसाइल को खोजकर उसे रास्ते में ही ध्वस्त करने में सक्षम है। वहां मध्यम दूरी और सुदूरवर्ती हमलों के लिए दो अलग प्रणालियां मौजूद हैं, जिन्हें डेविड्स स्लिंग और एरो कहा जाता है। आयरन डोम में तीन प्रमुख प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। ये तीनों प्रणालियां विभिन्न खतरों से निपटने के लिए एक साथ काम करती हैं। आयरन डोम प्रणाली दिन रात और प्रत्येक मौसम में काम करने में सक्षम है। इस प्रणाली में युद्ध प्रबंधन एवं हथियार नियंत्रण प्रणाली यानी बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम यानी BMC का उपयोग किया गया है, ताकि किसी भी खतरे का पता लगाया जा सके, उसे ट्रैक किया जा सके और रडार एवं हथियारों को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा मिसाइल फायर को नियंत्रित करने के लिए मिसाइल फायरिंग यूनिट का प्रयोग भी किया गया है। BMC मूल रूप से रडार और इंटरसेप्टर मिसाइल के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का काम करती है। नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज यानी CAPS के अनुसार किसी भी वायु रक्षा प्रणाली में दो मुख्य तत्व होते हैं, पहला रडार और दूसरा प्रॉक्सिमिटी फ्यूज। इनमें से रडार वस्तुओं की सटीक पहचान करता है और उन्हें ट्रैक करने में सक्षम होता है। भावी खतरों को पहचानने और उन्हें ट्रैक करने के लिए वायु रक्षा प्रणाली में सामान्यतः दो या तीन रडारों का प्रयोग किया जाता है। ट्रैकिंग रडार लक्ष्य की पहचान कर उसे कुशलतापूर्वक भेदने में मिसाइल की मदद करता है। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज को लेजर नियंत्रित फ्यूज भी कहा जाता है। चूंकि प्रत्येक बार लक्ष्य को सीधे भेदना संभव नहीं हो पाता है, ऐसे में जब मिसाइल लक्ष्य के लगभग 10 मीटर करीब से गुजरती है तो यह उपकरण मिसाइल को सक्रिय कर देता है और वॉरहेड में इस तरह से विस्फोट होता है कि मिसाइल और लक्ष्य पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। भारत की बात करें तो रक्षा प्रणालियों के विकास की दृष्टि से इजराइल, अमेरिका और रूस एक दूसरे के समकक्ष हैं। भारत रूस से तकरीबन $5 अरब मूल्य की S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए प्रयासरत है। इसके अलावा भारत इजराइल से आयरन डोम रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए भी वार्ता कर रहा है। S-400 रक्षा प्रणाली रॉकेट और क्रूज मिसाइल सहित अन्य मिसाइलों से निपटने में सक्षम है। इसकी रेंज काफी अधिक होती है।
सतह से हवा में मार करने वाली S-400 रक्षा प्रणाली 300 से 400 किलोमीटर की दूरी से दागी गई मिसाइलों और विमानों को मार गिराने में सक्षम है। बराक एक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने में भारत और इसराइल का सहयोग महत्वपूर्ण है। भारत ने इसराइल के सहयोग से वायु रक्षा रडार के विकास में भी कार्य किया है। वर्तमान में भारत के पास सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल आकाश और रूसी रक्षा प्रणाली पिकोरा उपलब्ध हैं। इन प्रणालियों को अधिक उन्नत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही भारत अमेरिका से भी दो अत्याधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने की प्रक्रिया में है। फिलहाल आज के दैनिक मंथन कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।